सो हेलो गाइस, तो आज के मैं बात करने वाला डीआरएम के बारे में। तो डीआरएम में भाई काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि भी डीआरएम पे वीडियो बनाओ। तो डीआरएम क्या चीज़ है वो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो डीआरएम है उसकी वजह से हमें आजकल गेमर्स को पता ही होगा कि भाई गेम्स मिलते नहीं है फ्री में खेलने के लिए। तो डीआरएम क्या है वही आज हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो DRM का फुल फॉर्म है वो है डिजिटल राइट मैनेजमेंट। इसका मेन फीचर यही है कि भाई इसको किसी भी चीज़ पर अगर इसको अप्लाई किया जाता है तो उसको भाई पायरेसी होने से इसको रोकना होता है। मतलब आपको पता होगा कि कई बार जब गेम रिलीज होते हैं वो अपनी फर्स्ट डे पे ही क्रैक्ड हो जाते हैं। उनमें क्या मेन फंक्शन होता है कि भाई उसमें पंगा क्या होता है कि भाई वो उसका जो प्रोटेक्शन उसकी इतनी पावर नहीं होती प्रोटेक्शन में, हैकर्स इजिली क्रैक कर देते हैं गेम को। ठीक है, तो हमें बस जो गेम्स के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग होती है ना उसे रोकना होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है इसके अंदर। ठीक है, DRM के अंदर। पर जो DRM है ये उस चीज़ को मतलब होने नहीं देता है, ये असल से प्रोटेक्शन लगा देता है। सपोज अगर कि भाई मान लो एक ताला है, ताला के ऊपर भाई एक ही छेद होता है जहाँ पर हम की डालते हैं, ठीक है, जिससे हम ओपन कर सके ताले को। बट अगर उस की जगह भाई कोई जगह ही ना की डालने की तो हम कैसे हैक करेंगे, ठीक है, ताला को कैसे खोलेंगे ना। तो ऐसी मेन फीचर है, मतलब DRM को प्रोटेक्शन देता है गेम्स को। अगर आपको पता होगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2, जो भी कॉल ऑफ ड्यूटी के नए गेम्स आ रहे हैं वो हैक नहीं हो पा रहे, मतलब क्रैक हो ही नहीं पा रहे उनमें। भाई ऑनलाइन प्रोटेक्शन आ रही है जिसकी वजह से भाई हैकर्स उसको पायरेट कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक कॉल ऑफ ड्यूटी तो भाई फ्यूचर में पता नहीं कब क्रैक होगी, पर जो GT5 है इसके अंदर इतनी वीक होती है। GT तो अपनी फर्स्ट डे पर क्रैक हो गई थी। ठीक है, तो अगर बात की जाए रेजिडेंट ईविल 4 रीमेक के बारे में तो यार आई थिंक वो भी क्रैक नहीं हो पाएगी इतनी जल्दी। तो नीड फॉर स्पीड अनबाउंड आपको पता होगा कि अभी रिलीज हुई है, 17 दिन से क्रैक करने पे लगे हुए हैं एम्प्रेस वाले, पर क्रैक अभी तक हुई नहीं है और देखते हैं ये कब क्रैक होती है। तो DRM बस यही है कि भाई DRM अब आ चुकी है, डी टेक्नोलॉजी, तो इसके बस अब गेम क्रैक नहीं होने वाले और आपको फ्री गेम्स नहीं मिलने वाले नए वाले, तो आपको बाय करके खेलने पड़ेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले बाय। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले जाए। सी ऑल। We die.